अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम और सबक चार में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, लेसन फोर में हम पढ़ने वाले हैं हैव और हैज की हैव और हैज का सही यूज क्या है, हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पहले कि मैं लेसन स्टार्ट करूं, कुछ जरूरी चीज आपको बताता हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे देखते हैं। पर्सन कितने टाइप के होते हैं? तो आप कहेंगे पर्सन तीन तरह के होते हैं या तीन टाइप के होते हैं। अगर वो आपसे पूछे कौन कौन, तो आप कहेंगे आईवी फर्स्ट पर्सन, आईवी पहला, यू दूसरा यानी सेकेंड पर्सन, और तीसरा के बारे में आप कह सकते हैं ही शी इट या कोई नाउन, आदमी का नाम, जानवर का नाम, परिंदा का नाम, कीड़ों का नाम या किसी जगह का नाम। तो थर्ड पर्सन में आते हैं ही शी इट या किसी इंसान का नाम या जानवर का नाम, कीड़ा का नाम, परिंदा का नाम या फिर किसी जगह का नाम। तो ये होते हैं पर्सन। पर्सन तीन तरह के होते हैं, आईवी पहला, यू दूसरा और बाकी सब तीसरा। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए अब लेसन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखें किस नाउन या प्रोनाउन के साथ हैव का यूज करना है और किस नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज का यूज करना है। हैव का यूज फर्स्ट पर्सन यानी आईवी के साथ किया जाता है। हैव का यूज सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ भी किया जाता है और हैव का यूज थर्ड पर्सन के साथ भी किया जाता है। हैव का यूज प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है, यानी ऐसे नाउन जो एक से अधिक हो। तो हैव का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, सेकेंड पर्सन के साथ भी होता है और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ होता है, तीसरा हो और एक से ज्यादा हो। जबकि हैज का यूज ही शी इट, कोई एक आदमी का नाम, किसी एक जानवर का नाम, कोई एक लड़का, तो हैज का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है, तीसरा हो और अकेला हो, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहां हम ये बात याद रखेंगे कि हैव का यूज फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ होता है, सेकेंड पर्सन यू के साथ भी होता है, यानी एक से ज्यादा के लिए किया जाता है, जबकि हैव का यूज बस थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तीसरा हो अकेला हो, तो हम हैज का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रांसलेशन का काम कितना आसान होता है। बेहद आसान होता है फ्रेंड्स। एक बार ट्राई करके देखिए, आप पाएंगे कि अंग्रेजी बहुत आसान थी, बस आप ट्राई नहीं कर रहे थे। पानी पियो छान के, उस्ताद बनाओ जान के। अगर आपने उस्ताद समझ बुझ कर नहीं बनाया तो फिर कामयाबी आपके पास हो ही नहीं सकती। चलिए ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। मैं एक खूबसूरत कार रखता हूं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, जो वर्ड बाद में उसका अंग्रेजी दूसरे नंबर पर लिखिए और जो वर्ड बीच में है उसका अंग्रेजी हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सेंटेंसेस कभी भी गलत नहीं होगा। पहले मैं मीनिंग क्लियर करा दूं। मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं, एक को ए खूबसूरत का ब्यूटीफुल, कार को तो कार ही कहते हैं और रखता हूं का अंग्रेजी हैव या हैज। आई वी यू और किसी प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज होता है और किसी सिंगुलर नाउन या ही सी इट के साथ हैज का यूज होता है। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं को अंग्रेजी में कहेंगे आई रखता हूं यानी है, मैंने पहले और दूसरे नंबर की अंग्रेजी लिख दिया, अब बीच में तीसरा नंबर है, मैं उसका अंग्रेजी लिखने जा रहा। एक का अंग्रेजी ए, खूबसूरत का अंग्रेजी ब्यूटीफुल और कार को अंग्रेजी में कहते हैं कार। आई हैव अ ब्यूटिफुल कार, और ये ट्रांसलेट हुआ। आइए दूसरे वाले को भी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर और जो वर्ड बीच में है उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। आपको अंग्रेजी में कहते हैं यू और रखता हुआ का अंग्रेजी होगा हैव। और एक अच्छा घर, एक का अंग्रेजी ए, अच्छा का अंग्रेजी होगा गुड और घर को अंग्रेजी में कहते हैं हाउस या होम। यू हैव अ गुड हाउस, आप एक अच्छा घर रखते हैं, और ये भी ट्रांसलेट हुआ।
आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं ताकि कंसेप्ट आपको अच्छा से समझ में आ सके। चलिए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। उसके पास एक लाल साड़ी है। दूसरा वाक्य है, मेरे पास एक नेक दोस्त है। और तीसरा है, हम लोगों के पास सब्र है। चलिए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं, उसका अंग्रेजी होता है ही। अगर हमने किसी मुजक्कर को समझा है तो, अगर हमने किसी मुअन्नस को समझा तो सी का यूज करेंगे। और पास है का अंग्रेजी है होता है। इस पास को यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन सेंटेंस की बनावट के हिसाब से यहाँ पर आ गया है। जैसा कि आप पिछले वाले सेंटेंस में गौर किए कि रखता हूं या रखता है के बगल में रखता आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, हम यही समझेंगे ये पास यहां पर है। ओके, एक का अंग्रेजी ए, लाल का अंग्रेजी रेड, और साड़ी को साड़ी कहते हैं। तो चलिए फिर ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाला अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, पास है मिलाकर होगा दो नंबर, और बीच में जो है उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर, उस यानी शी, हमने उसको फीमेल समझा, मुअन्नस समझा। और पास है का अंग्रेजी होगा हैज। मैंने आपको पहले ही बताया कि ही सी इट के साथ हैव का नहीं बल्कि हैज का यूज होता है। और एक का अंग्रेजी ए, लाल का अंग्रेजी रेड, और साड़ी का अंग्रेजी होगा साड़ी। और ये ट्रांसलेट हुआ। आइए दूसरे वाले को ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, मेरे का आई, और बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, पास है का अंग्रेजी होगा है। अब जो वर्ड बीच में उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर लिखिए, एक का अंग्रेजी ए, नेक का अंग्रेजी जेंटल, और दोस्त का अंग्रेजी होता है फ्रेंड, एफ आर आई एन डी, फ्रेंड। आई हैव अ जेंटल फ्रेंड। आइए तीसरे वाले को भी ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहला वाला अंग्रेजी एक नंबर, पास है दो नंबर, और सब्र की अंग्रेजी होगी तीन नंबर। हम लोग को अंग्रेजी में कहते हैं वी, पास है का अंग्रेजी होगा है, और सब्र को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस, वी हैव पेशेंस। और मेरा जुमला ट्रांसलेट हुआ। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। हमारा सेंटेंस है, मेरे पास चार औलाद है, मुझे इसका ट्रांसलेट करना है। मान लीजिए आपको कवायद नहीं आता, थोड़ा भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स कि बड़े आसानी से आप उर्दू वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। कैसे करना है? जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, बाद वाला शब्द का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और जो वर्ड बीच में उसका अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। ये पास जो दिख रहा है उसको यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर देख सकते हैं पास है, लेकिन सेंटेंस की बनावट के हिसाब से उधर फिसल गया है। बट डोंट वरी, आप समझिए कि पास यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आइए ट्रांसलेट करते हैं। मेरे का अंग्रेजी आई, और पास है का अंग्रेजी होगा है, और चार का अंग्रेजी होगा फोर, औलाद को अंग्रेजी में कहते हैं सन्स। I have four sons. आइए दूसरे वाले को ट्रांसलेट करें। सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और बीच वाला का अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। उन लोगों को अंग्रेजी में कहेंगे दे, और पास है का अंग्रेजी होगा है, और बीच में लिखा है एक, यानी ए, और मुलाजिम की अंग्रेजी होती है सर्वेंट। और ये ट्रांसलेट हुआ, उन लोगों के पास एक मुलाजिम है, दे हैव अ सर्वेंट। कैसे ट्रांसलेट हुआ? जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा गया, बाद वाले का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और बीच वाला का अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मेरे पास अमन है, जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और बीच वाला का अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। मेरे का अंग्रेजी आई, और पास है का अंग्रेजी होगा है, और अमन को इंग्लिश में कहते हैं पी, और आपने इसको ट्रांसलेट किया। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। आपके पास इल्म है, आपका अंग्रेजी होगा यू, पास है का अंग्रेजी होगा है,
और इल्म को अंग्रेजी में करते हैं नॉलेज, यू हैव नॉलेज, और आपने इसको भी ट्रांसलेट किया। आइए लास्ट वाले को ट्रांसलेट करते हैं, उसके पास वक्त है। सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिएगा, बाद वाला का अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, और बीच वाला का अंग्रेजी तीसरे नंबर पर। उसके पास यानी ही, और पास है यानी हैज। यहां पे गौर करिए, इस बार हमने हैज का यूज किया है, क्यों? इस इट या किसी सिमिलर नाउन के साथ हैज का ही यूज होता है। और वक्त को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, ही हैज टाइम, उसके पास वक्त है, और ये ट्रांसलेट हुआ। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने अभी तक जो भी लेसन पढ़ाया, ये एक डेमो था जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए। अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा उस्ताद हूं, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं फुल कोर्स आपके लिए लेकर आ सकूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं फ्रेंड्स कि आप बड़े शानदार तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे कम वक्त में, क्योंकि मैं अंग्रेजी ट्रिक से पढ़ाता हूं, जिसकी वजह से अगर किसी को थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, वो भी बड़े आसानी से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि मुझे भी और वीडियो बनाने में दिलचस्पी आए। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।